हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है डू दे रिग्रेट लूजिंग यू। क्या उन्हें आपको खोने का दुख है। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है और बायो में भी मौजूद है। व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं, मैसेजेस अलाउ हैं, कॉल्स अलाउ नहीं है। पार्ट वन इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट टू से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। डू दे रिग्रेट लूजिंग यू, बात हम कर रहे थे कि अब या आपको अप्रोच करने की भी कोशिश करें तो इनको ऐसा लगता है कि शायद इन ये अपना कर्मा फेस कर जाएंगे, कि जिस तरीके से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था अब आपका सेम बिहेवियर होगा। अब अगर मैं यहाँ पर चेक करती हूँ, एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पर जो मैं देख पाई हूँ, इस पर्सन की इनलाइटमेंट जब हुई, अवेकनिंग जब हुई है, जब आपने अपने आप को डिटैच किया है। सामने वाले को जब आप देते रहे ना अपनी साइड से, वो अपना हक समझ के रिसीव करना शुरू कर देता है, अपने आप को बहुत लाइक फाइक काबिल समझना शुरू कर देता है। जबकि इसने अपनी ग्रोथ का हर्डल आपको माना, लेकिन अपने ऊपर फोकस करें, क्या आज आप वही हैं जो इस रिलेशनशिप के टाइम पीरियड में थे? क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आई हैं? क्या ग्रोथ आपकी लाइफ के अंदर आई है? क्यों? क्योंकि आप इस रिलेशनशिप के लिए दुनिया में नहीं आए थे, आप इस रिलेशनशिप से लेसन लर्न करने के लिए आए थे। जितने मैसेजेस मुझे चैनल्ड होते हैं मैं सारे बताती हूँ, आपका मेन मकसद दुनिया में आना, आपको सोल से कनेक्ट होना था। और आई थिंक कि आपको अपना पाथवे पता चला है। आई थिंक कि आप इस पर्सन के ऊपर रिलेशनशिप के अंदर को डिपेंडेंट हो गए थे। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होता था कि ये बस ठीक रहे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। लेकिन जब इस इंसान ने ही आपको बाहर का रास्ता दिखाया और जैसे ही आपने इस रिलेशनशिप को कंप्लीट किया, उसके फौरन बाद मैं देख रही हूँ ग्रोथ का कार्ड यहाँ पर, कि इतनी ग्रोथ आपकी लाइफ में आई है कि आप सेंस नहीं कर सकते थे कि आप अपने दम पर भी ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आपका सोल पर्पस से कनेक्ट होना लिखा था यहाँ पर। इस रिलेशनशिप में आपने भी लेसन लर्न किया है और इस पर्सन की तो अभी अवेकनिंग मुझे नज़र आ रही है। अब मैं चेक करती हूँ यहाँ पर कि जब इनके इस किस्म के थॉट्स हैं तो इन थॉट्स में इनकी एनर्जीज आपके टुवर्ड्स क्या होती हैं। सून, अच्छा जी, नंबर 5, फ्री मैसेज, काम, मैसेज ऑफ गाइडेंस, फॉरगिवनेस, अबंडेंस। नंबर 5, नंबर 30, नंबर 7, नंबर 36, नंबर 19 एंड नंबर 1। अक्सर ये आपको मैसेजेस लिखते हैं, टाइप करते करते रिमूव कर देते हैं। इनकी सोचों में ये होता है कि जब वो अपनी ज़िंदगी में मगन है, खुश है, तो मैं क्यों उसकी लाइफ को अब बिला वजह में डिस्टर्ब करूं। समटाइम ये अपना कनेक्शन जोड़ने की कोशिश भी करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि शायद ज़िंदगी के किसी मोड़ पे आप इनको माफ़ कर दें। किस तरीके से बताएं कि जब तक आप इनकी लाइफ में थी, जब तक इनको इनकी लाइफ में अबंडेंस थी, इनकी लाइफ में हर चीज़ मल्टीप्लाई होकर आती थी, बट जितनी स्पीड से ये आपको मैसेज करते हैं उतनी ही स्पीड से ये उसको रिमूव भी कर देते हैं कि क्या फ़ायदा, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, किसी की ज़िंदगी में दोबारा से एंट्री दूँ तो क्यों दूँ। एनर्जीज़ में यही है, कोशिश करते हैं कि आप के टूवर्ड्स मामलात को क्लियर करें, एटलीस्ट एक बार माफ़ी ही मांग लें। बट इनको पता है कि आप इनकी लाइफ के एक अच्छे गाइडर, एक अच्छे एडवाइज़र रहे हैं, आपने हमेशा राइट डायरेक्शन में गाइड किया है,
आई थिंक इनका माइंड बहुत नेगेटिव हो सकता है और इस पर्सन के माइंड को पॉजिटिव करने में आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और अब इनको इस तरीके से गाइड करने वाला कोई नहीं है जिस तरीके से आप गाइड करते थे। अब चलते हैं हम टैरो से। और मज़ीद एक्सटेंड करते हैं, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड रिबर्थ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द लास्ट वन इज़ नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, आपके टूवर्ड्स अगर मैं इनर्जीज़ को देखती हूँ यहाँ पर विद द सेवन ऑफ वॉन्स कार्ड, इनको पता है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड कर लिया है। एक चीज़ में इनको, एक चीज़ ये है कि आपके बारे में ना ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपके मूड से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक कहीं से स्पाई करते होंगे सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं, तो चेक करते हैं कि अभी आप हैप्पी हैं या सैड हैं। लेकिन ये चीज़ ये बहुत गार्ड होके करते हैं कि आपको पता ना चले कि ये आपको कहीं से स्पाई कर रहे हैं, कहीं से इन्होंने नज़र रखी हुई है आपके ऊपर, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन ये पर्सन जहाँ से भी आपको वॉच कर रहा है, ये देख रहा है कि आप फुल फ्लज अपने पेंटिकल्स में मसरूफ़ हैं, कि आप अगर वुमेन हैं तो अर्निंग वुमेन हो गई हैं, अगर आप मेल हैं तो आपके फाइनेंसेस मल्टीप्लाई हो गए हैं। और एक रिग्रेट ये भी है कि काश मैं राइट टाइम पे कमिटमेंट दे देता तो ये रिलेशनशिप दोबारा से रीयूनाइट हो जाता। और अभी भी इनकी एनर्जी में यही है कि कहीं से मुझे कोई एक उम्मीद की किरण मिल जाए, कोई एक छोटी सी ऑफ़र, ये जो कोई भी ऑफ़र आपको करना चाहें। आपकी एनर्जी को देखते हुए यहाँ पर पेज की एनर्जी आ रही है, यानी कि ये सोचना कि इस रिलेशनशिप में मैंने रहते हुए दिया क्या, कि अगर मैं अब कोई भी ऑफ़र, कोई भी प्रपोज़ल लेके इसके टूवर्ड्स अप्रोच भी करना चाहूँ तो ये ऑलरेडी सेटलमेंट की तरफ आ गई है या आ गया है, तो ये मेरी छोटी सी ऑफ़र को क्यों एक्सेप्ट करेगी। विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड, इनका बस चले तो ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ जाएं, लेकिन मुझे यहाँ पे स्टेटस डिफरेंस नज़र आ रहा है। आई थिंक ये वो पर्सन है कि इसने हमेशा फाइनेंसेस को प्रायोरिटी दी और इसने हमेशा कंपैरिजन किया कि उसके पास ये, मेरे पास ये, और एक्स वाई जी के मुझे ऐसा लगता है कि माइंडसेट में इनके होंगे फाइनेंसेस, और ये आपको टॉन्ट करते होंगे कि तुम्हें लग्जरीज चाहिए या ये वो। लेकिन जब आप इस कमिटमेंट से बाहर निकले तो आपने अपने दम पर बहुत कुछ क्रिएट किया है, जो मैं क्लियरली यहाँ पे देख सकती हूँ। आज आपके पास अपना पैसा, अपनी लेगेसी, अपनी फैमिली मौजूद है। आई थिंक आप इस काबिल हो गए हैं कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रोवाइड करना शुरू हो गए हैं। आप काफ़ी सारे लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम बन गए हैं, और ये पर्सन ये सेंस कर रहा है। जहाँ आप इसके ऊपर कोडिपेंडेंट थे, डिवाइन ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप मल्टीपल लोगों का सपोर्ट सिस्टम मुझे नज़र आ रहे हैं, और यही आपका सोल पर्पस था जिसको आपने पहचाना है। अब चलते हैं यहाँ पर, अपने माइंड में सोचें एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा उसका आंसर। तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन था कि डू दे रिग्रेट लूजिंग यू, तो इट्स अ बिग यस। और क्या एनर्जीज हैं, क्या मामलात हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अपने माइंड में सोचें एक क्वेश्चन, यहाँ पे है उसका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में, कम्युनिकेट क्लियरली अबंडेंस, अगले कुछ महीनों में आपके पास जो भी माइंड में आपके क्वेश्चन था, अगले कुछ महीनों में उसके लिए यस है। और अगर तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड था तो जो भी कम्युनिकेशन आए उसको क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिएगा। तीनों कार्ड पॉजिटिव हैं मेरे पास, तो आपके क्वेश्चन का आंसर इट्स अ बिग यस।
अबंडेंस भी है आपके पास और अगले कुछ महीनों में और मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड बाय।